हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है इट्स अबाउट रेस्ट ऑफ योर 2021 की आने वाले डेज में, मंथ में, 2021 में क्या आने वाला है। ये रीडिंग जो है वो सिंह राशि वालों के लिए है, लियो राशि वालों के लिए है, सन मून राइजिंग। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इतने टाइम से आप जिस भी राशि की रीडिंग देख रहे हो आप वही प्रेफर करिएगा। स्टिल अगर आपको अपना लग्न पता हो, जिसे हम इंग्लिश में राइजिंग या सेंडेंट भी बोलते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। बट कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंट्यूटिवली फील हो वो ही देखिए आप। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, वो मैच करती है तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। ज़बरदस्ती वीडियो बिल्कुल भी मत देखिएगा। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प लियो सन मून राइजिंग, क्या करंट एनर्जी है इनकी। वी हैव द कार्ड मार्स। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं एंड आई ऑल्सो फील कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकता है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। मार्स मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हो, जिनके मार्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ इशू भी होता है। और 11th हाउस मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है आपकी लाइफ में एक स्विफ्ट चेंज आएगा, स्पेशली आपके करियर के अंदर इन फ्यूचर। लेकिन अभी यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है, जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, हो सकता है आप काफ़ी क्रिएटिव लोग हो, अपनी ही कोई नई चीज़ आप यू नो क्रिएट करो। और हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ अपना काम शुरू करो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर किसी पार्टनरशिप में आप वो चीज़ शुरू करो, उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट कार्ड मुझे अभी दिखा रहे हैं कि आपका जो फोकस है वो अपने रिलेशनशिप फैमिलीज पे ज़्यादा है एंड थोड़ा सा हेल्थ पर भी मुझे यहाँ पर फोकस आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, जो करंट एनर्जी है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगर ये मैच करती है तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर करियर। पहले हम करियर देखेंगे, देन विल मूव टू योर लव लाइफ। ओके प्लीज यूनिवर्स, इनके करियर में क्या आने वाला है प्लीज हमें बताइए। सो करियर की आपकी जो एनर्जी मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे फील हो रही है लियो, वो मुझे सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और देखिए सैटर्न जो है, लोग कहते हैं मैं बहुत सैटर्न की अगर बात करती हूँ तो सैटर्न जो है वो हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट टाइम पे होता है, या तो मंथ में होगा, साढ़े सती शनि चल रहा होगा आप लोगों का, या फिर अंतरदशा, महादशा, कुछ भी हो सकता है, तो सबकी लाइफ में आता है सैटर्न। और केतु जो है वो, सैटर्न बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे कार्मिक डेप्थ्स के बारे में भी बात करता है और ये लाइफ में सक्सेस दिलाता है, बट पहले हार्डवर्क कराता है। बेशक आपका सैटर्न अच्छा हो, खराब हो, जैसा भी हो, बिना हार्डवर्क के आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। ओके, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है कि किसी चीज़ पर आपको हार्डवर्क कराया जा रहा है, वर्क कराया जा रहा है, जहाँ पर सक्सेस बहुत ईजिली आपको नहीं मिल रहा है। एंड बट इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। बट येस, 2021 आपका एक ऐसा साल रहा है अब तक का जो पहले भी, जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ लर्न किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि प्रमोशन हो रहे हैं या बहुत कुछ ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है 1-2%, बट बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको वर्क कराया जा रहा है, हार्डवर्क कराया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं यहाँ पर। या फिर अगर जॉब में भी हो तो बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या आने वाला है इनके करियर में प्लीज़ लॉर्ड हमें बताइए। सन मून राइजिंग लियो, करियर में क्या आने वाला है 2021। टेन ऑफ कप्स, वी हैव द टावर कार्ड। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ, टेन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, मैजिशियन, वाओ। चलिए मैं कार्ड जो है वो ठीक से लगा देती हूँ। ओके, सो कार्ड्स बेसिकली मुझे आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि थोड़ा देखो स्ट्रेस आपको रह सकता है। मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है कि न्यूट्रल एनर्जी दिख रही है, ना तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं ना बहुत बुरी चीज़ें दिख रही हैं। जो लोग मेरी रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, मैं ब्लंट हूँ, जो मुझे दिखेगा मैं एग्जैक्ट आपको वैसे बताऊँगी, शुगर कोट करके आपको कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो कार्ड मुझे आपके लिए दिख रहा है वो ये दिख रहा है, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, सोल फैमिली, आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। बट किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रह सकते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है कि मतलब कि किसी सक्सेस में कोई चीज़ चाहिए, उसमें डिले हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी चीज़ में। या तो आपने कुछ सोचा था उस हिसाब से इस साल के आपके प्लान नहीं बने, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंट रह सकते हो कि साल में जैसा सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई। बट स्टिल आई एम सीइंग दिस थिंग कि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है,
यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बेशक आपको अभी चीजें समझ नहीं आ रही है, बट फिर भी यूनिवर्स आपको पुश करेगी कि आप आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। जैसा भी आपसे काम हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़ी पढ़ाई हो रही है, कम पढ़ाई हो रही है, यू हैव टू डू इट। वो यूनिवर्स आपको जबरदस्ती पुश कर रही है ताकि आप बढ़ते रहें और रुके ना। और उसके बाद मुझे आपकी लाइफ में अचीवमेंट दिख रही है, बट अगेन 2021 के एंड तक मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर प्रिपेयरिंग, यूनिवर्स इज पुशिंग यू, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों से डील कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। बट उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैजिशियन और टेन ऑफ व्हील्स यही दिखा रहे हैं कि कुछ लोग लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग मे बी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, टीचिंग में आप जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि बहुत जल्दी आपका ड्रीम पूरा होगा। कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, कुछ फीमेल्स हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जब शादी हो जाएगी, जो लोग सिंगल हैं कि आपकी जब शादी हो जाएगी उसके बाद आपके करियर में बहुत चेंज आएगा और एक हैप्पीनेस और एक अबंडेंस मुझे आते हुए दिखाई दे रही है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और उनकी लक की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आई नो इट्स नॉट वेरी मच रिलेटेड विद द रीडिंग, बट जो चीज़ें आ रही हैं मैं वो आपको बता रही हूँ यहाँ पर, जो कार्ड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है साल के एंड में आप लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं, अगर अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है उस चीज़ को लेके, या उस चीज़ को लेके ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे, शायद घूमने के लिए ही जाएं, वेकेशन पे ही जाएं, बट वहाँ पर आपको कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे लाइफ में जहाँ से आपको करियर में बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। लियो, जो मुझे आपके लिए दिख रहा है, मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है लियो कि इस साल में आपको बहुत आपने ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स देखी हैं, अपने करियर के अंदर काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं, बट अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्ट्रेस को आप थोड़ा सा अलग करें। आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, वो चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट है जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। बेशक आपको लग नहीं रहा कि फैमिली सपोर्ट करनी है, बट फिर भी एक कहते हैं ना कि जैसे ब्लेसिंग्स होती है आपके पूर्वज की, एंसेस्टर्स की, वो मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो आपको काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है। चलिए निकालते हैं एक और कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। प्लीज स्पिरिट गाइड यूनिवर्स, 2021 के एंड तक लियो की करियर में क्या आने वाला है लॉन्च। We have the Queen of Cups. Okay, so you won't believe, bottom of the deck is the World. Again, शनि का कार्ड होता है ये। Completion of cycle, चीज़ों में delay होना उसका भी reason होता है, ताकि आप किसी ऐसी चीज़ में ना फंस सकें जो आपको in future problems दे। Queen of Cups मुझे बताता है कि ये साल में जो कुछ भी हुआ है ना लियो, या जो कुछ आगे होने भी वाला है, वो आपको इमोशनली बहुत मैच्योर बना रहा है। मीन्स हो सकता है कि पहले आपको अपने आप को लेके बहुत डाउट्स हों, सेल्फ वर्थ इशूज़ हों, एंड करियर की वजह से आप अपने आप को लेके काफ़ी परेशान हो, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आने लगा है कि करियर, पैसे, जॉब किसी को वर्दी फील नहीं करा सकता। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो आपको अपने अंदर से ही महसूस करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सेल्फ लव वाली यहाँ पर चीज़ चल रही है कि करियर पर वर्क भी हो रहा है, बट मतलब एट द एंड यूनिवर्स आपको वो लेसन भी सिखा रही है जहाँ पर आप ये सीख सकें कि आपको वर्दी फील करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ डिफरेंट है, दूसरे लोगों की लाइफ डिफरेंट है। यहाँ पर एक कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अगेन आपका इस साल में हेल्थ पे काफ़ी फोकस रहेगा और इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी पे भी बहुत फोकस रहेगा, कि आप उसको बैलेंस करने में आपका काफ़ी साल निकलने वाला है, आने वाला भी, और पीछे भी मुझे इसकी ही एनर्जी दिख रही है कि ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हुआ है कि इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए, जो दिख रहा है। एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से भी मैच्योर हो, ताकि बाहर जो चीज़ें हो रही हैं हम उसको समझ पाएँ, एक्सेप्ट कर सकें। स्पेशली वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो लेट मी पुट दिस कार्ड असाइड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो स्पिरिट गाइड्स आप उन्हें क्या फ्रीडम बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपके जो थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स, उनसे आपको फ्रीडम मिलेगी साल के एंड तक।
जो भी थॉट्स आपको बांध के रख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ट्रस्ट डेफिनेटली आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे दैट थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर एंड बहुत जल्दी आपको वो चीज़ समझ में आएगी। कुछ लोग अगेन मुझे यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग भी दिख रही है इन फ्यूचर, वाओ हीलिंग अगेन इमोशनल इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग आपकी चल रही है। एंड हीलिंग सिर्फ लव लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक अंदर से एक इनर पीस नहीं होगी ना, तो आपको लाइफ में किसी भी चीज़ में ना तो अच्छा लगेगा, ना ही सक्सेस मिलेगा, ना ही आप मोटिवेटेड फील करोगे लियो। तो वही चीज़ आपको यूनिवर्स यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है कि आप में बहुत चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। जिस तरीके से आप वर्ल्ड को देखते हो, दुनिया को देखते हो, उसमें बहुत चेंज आ रहा है और वही इन फ्यूचर हेल्प करेगा आपको सक्सेस दिलाने में। सो अगर आप लोग सिर्फ करियर की रीडिंग देखने आए हैं, रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगेन इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके करा सकते हैं। लव रीडिंग देखनी है तो जस्ट हैव सम पेशेंस, लेट मी जस्ट शफल दीज कार्ड्स और फिर हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लव लाइफ में देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं या सेपरेशन में हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, फिर हम देख लेते हैं कपल्स और मैं दो दो कार्ड निकालूंगी, दो या तीन जो भी मुझे फील होगा, उसके बाद हम जनरली देखेंगे कि टैरो कार्ड्स के थ्रू की क्या आने वाला है और फिर एडवाइस क्या है। सो जस्ट हैव सम पेशेंस प्लीज यूनिवर्स। सिंगल जो लोग हैं, सेपरेशन में जो हैं, लियो सन मून राइजिंग, उनकी लव लाइफ में 2021 में क्या आने वाला है एंड में। वी हैव द कार्ड कैसेट, आउटडेटेड थिंकिंग, रीप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड, आई लाइक यू। ओके, कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको ये बोल सकता है दैट दे रियली लाइक यू। आप हो सकता है किसी पर्सन के साथ डेट पर भी जा सकते हैं। पास्ट के भी कुछ दो तीन लोग मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर है, अगर नहीं है तो शायद, अगर एक है तो वो भी। बट अगेन फोकस जो है मुझे यहाँ पर हीलिंग पे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। तो अगेन आप इस साल आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपके इमोशंस पे है कि अपने इमोशंस में जो एक बैगेज लेके आप घूम रहे हो ना अपनी लव लाइफ या नॉर्मल लाइफ में, उसको आप रिलीज कर रहे हो। कप कॉफी का बात करता है, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग एंड सैवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड एंड फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, अगर लोगों से बातचीत भी करते हैं तो इस बेसिस पे करेंगे कि आप उन्हें जानना चाहेंगे एज अ फ्रेंड एंड यू वॉन्ट टू हैव सम फन विद देम। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो रहा है इस साल ना, वो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है आप में कि आप लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। आप जो चाहते हैं वो लोगों को अब आप बोल पा रहे हैं, पहले शायद आप बोल नहीं पाते थे। वी हैव द कार्ड आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वॉन्ट टू डेट। अगेन काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, समवन लाइक यू वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली हीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग हील हो रहे हो। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई मैं आज इतना ज़्यादा ओके क्यों बोल रही हूँ। सो लेट्स सी अबाउट जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। सन मून राइजिंग लियो, प्लीज यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ 2021 कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ में, व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। एंगेजमेंट रिंग, वाओ दिस इज़ नाइस, वी आई एम सीइंग सॉलिड कमिटमेंट, रिलेशनशिप और स्ट्रांग होने वाला है। ब्रेकअप सेपरेशन स्टॉप द पैटर्न, सो पास्ट की जो नेगेटिव चीज़ें हैं अगेन उनसे आप बाहर निकल के मूव कर रहे हो। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जो टॉक्सिक है आपकी पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड की लाइफ में। उस पर्सन से आपको छुटकारा मिलने वाला है जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो उस पर्सन को लेके, किसी चीज़ को लेके, बट उससे आप बाहर निकल रहे हो। उसके बाद मुझे आपके सॉलिड कमिटमेंट दिख रहा है इस साल तक कि एक सीरियस रिलेशनशिप बन रहा है या यू गाइज आर प्लानिंग कि शादी कब करनी है या कैसे कैसे क्या करना है, घर पर बात कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि जो नेगेटिविटी है वो हट रही है और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है कनेक्शन के अंदर। सो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। स्पिरिट गाइड, सन मून राइजिंग, लियो, लियो 2021, रेस्ट ऑफ 2021 क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में, प्लीज लॉर्ड प्लीज हमें बताइए। वी हैव द कार्ड एस ऑफ कप्स, वाओ वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, सिक्स ऑफ वांड्स, डेफिनेटली
पर्सनल डेवलपमेंट इतनी अमेजिंग हो रही है आपकी लियो इस साल के लिए, यू शुड फील वेरी लकी अबाउट इट कि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आया है जहाँ पर आप ये सारी नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो, आप फिर से अपने आप से लव कर रहे हो, फिर से अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको अपनी वैल्यू अपनी वर्थ पता है अपनी लव लाइफ के अंदर भी। अगेन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखा रहा है आप लोगों के लिए, एक सॉलिड ऑफर भी दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, बट अगेन आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट वो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है तो कुछ लोगों की इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं भी होगी, बट आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। एंड अबाउट फ्रॉम दैट आपकी यूनिवर्स आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपको प्रोटेक्ट करी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो आप वेट करोगे, पेशेंस आप में मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पेशेंटली आप वेट करोगे किसी एक पर्सन का, मुझे जो दिख रहा है एक सोलमेट कनेक्शन का आप लोग वेट करोगे। एंड जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं आप लोगों के लिए तो मुझे बहुत ही सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी या जो नेगेटिव लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, आप अपने कनेक्शन पे फोकस कर रहे हो, अपने कनेक्शन को लेके और अच्छा फील कर रहे हो, एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी कनेक्शन के अंदर आ रही है। एंड एस ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है सेल्फ लव, अगेन कुछ ऐसा आपकी लाइफ में या तो हुआ है या तो होने वाला है कि दोबारा से आप अपने ऊपर अपनी चीज़ों पे फोकस करोगे, हो सकता है कनेक्शन में बहुत टाइम से हो बट अपनी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो टाइम आएगा जहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कहीं घूमने जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे एंड दोबारा से अपनी लाइफ जो है मुझे यहाँ पर आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली काफ़ी हैप्पीनेस मुझे दिख रही है जो लोग स्पेशली कनेक्शन में है, जो लोग नहीं है वो भी अपने आप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। वी हैव द कार्ड फॉरगिवनेस, सो आप लोगों को किसी को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कार्ड मुझे बता रहे हैं, और रिमेन पॉजिटिव। कोई पर्सन नहीं है लाइफ में, सिंगल है तो भी पॉजिटिव रहिए क्योंकि कोई पर्सन लाइफ में आएगा, यू हैव टू लेट गो। अगेन डेथ एंड रीबर्थ बात ही इस बारे में करता है कि कुछ चीज़ रिलीज कर रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, एंड दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन टू योर लाइफ। पीस लेके आ रही है ये चीज़ आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत टाइम से यर्न कर रहे हो, बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में पीस नहीं आ रही है, वो आपकी 2021 के एंड तक आपकी लाइफ में जो है वो बिल्कुल आ रही है, 101% मुझे दिख रही है। सो फ्रेंड्स रीडिंग मैच करती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इससे क्या होगा कि आप आने वाली वीडियोज़ को भी देख पाएंगे अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो। एंड पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय एंड टेक केयर।